पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन के सामने एक याचिका दायर करी थी। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर सिविल जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भी करवाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला सिविल जज की अदालत से जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने इस मामले को सुनवाई के लायक माना है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है वो 5 महिलाएं जिनकी याचिका की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इन 5 महिलाओं ने दायर किया था मुकदमा। ज्ञानवापी मामले में मुकदमा दायर करने वाली 5 महिलाओं में से एक दिल्ली की रहने वाली हैं, जबकि बाकी 4 महिलाएं वाराणसी की रहने वाली हैं। इन महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर गौरी शंकर स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी है। इन महिलाओं के नाम हैं राखी सिंह, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू और रेखा पाठक। राखी सिंह, दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह दिल्ली की हौज खास की रहने वाली हैं। राखी वैदिक सनातन संघ की स्थापक सदस्य हैं। राखी के पति का नाम इंद्रजीत सिंह है और लखनऊ के हुसैनगंज का भी एक स्थानीय पता है। सनातन संघ के यूपी संयोजक संतोष सिंह ने बताया, राखी सिंह हिंदुत्व के लिए काम करने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो कई बार वाराणसी आ चुकी है और देवी माँ श्रृंगार गौरी की उपासक भी है। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी बनारस के महमूरगंज की रहने वाली हैं। उनके पति का नाम डॉक्टर सोहनलाल आर्य है, जो बनारस के महमूरगंज के निवासी हैं। सोहनलाल आर्य श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में इससे पहले साल 1996 में एक याचिका दायर करी थी। ये किसी संगठन से जुड़ी नहीं है, घर गृहस्थी संभालती है। यदि लक्ष्मी कोर्ट की सुनवाई में नहीं पहुँचती है तो उनकी जगह सोहनलाल कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। सीता साहू। सीता साहू बनारस के चेतगंज की रहने वाली हैं। उनके पति गोपाल साहू बिजनेस करते हैं। सीता साहू ज्ञानवापी परिसर से महज 2 किलोमीटर दूर अपने घर से एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाती हैं। ये भी किसी संगठन से जुड़ी हुई नहीं है। सीता ने एक्सप्रेस को बताया कि हम हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। ये याचिका दायर की गई क्योंकि हमें मंदिर में अपनी देवी की ठीक से पूजा करने की अनुमति नहीं है। मंजू व्यास। काशी के ही रामघाट मोहल्ले की रहने वाली मंजू व्यास इस याचिका में 4th महिला हैं। उनके पति विक्रम व्यास हैं, जो बिजनेस करते हैं। मंजू ज्ञानवापी परिसर से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और किसी संगठन से जुड़ी हुई नहीं है। उनका कहना है कि उनकी रुचि श्रृंगार गौरी स्थल पर पूजा पाठ करने में है। रेखा पाठक। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थित हनुमान पाठक क्षेत्र के निवासी रेखा पाठक एक गृहिणी हैं। वो कहती हैं कि उन्हें खुशी है कि वो याचिका का हिस्सा बनी। मुझे ये काफी बुरा लगा कि मंदिर पूजा के लिए जाने वाली महिलाओं को बैरिकेडिंग के पास जाने की अनुमति नहीं है। मेरी याचिकाकर्ता बनने का ये सबसे बड़ी वजह है। याचिका दायर करने का निर्णय हमने मंदिर के एक सत्संग के दौरान लिया था, क्योंकि हम सभी श्रृंगार गौरी की पूजा करते हैं। तो ये थे ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिकाकर्ताओं से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।